हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक अप्रोच है हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने का, जो कि है हमारा रियलिज्म। देयर आर थ्री टाइप्स अप्रोचेज हैं यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसको स्टडी करने के। मेनली दो हैं यहाँ पर, डोमिनेटेड दो हैं यहाँ पर। एक है रियलिज्म, दूसरा है आइडियलिज्म। थर्ड वन यहाँ पे मार्क्सिज्म है, वो भी इसमें आता है, उसकी भी अपनी थ्योरी है इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसके बारे में। हालांकि वो प्रोमिनेंट नहीं है ज्यादा, उसको जगह पर आप नहीं पाएंगे कि वो मिलेगा आपको। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो रियलिज्म है उसी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो क्लासिकल रियलिज्म है, ओरिजिन वगैरह जो उसका रहेगा। यहाँ पर कुछ थिंकर्स होंगे हमारे, उनको भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो रियलिज्म है, जो क्लासिकल रियलिज्म है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म है, यहाँ पर न्यू रियलिज्म है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि रियलिज्म क्या है, इससे समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें हमने बात करी थी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो वीडियो, खास तौर पर टॉपिक यहीं पे रखा हुआ है वहां पर ये, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है आपस के अंदर इंटरचेंजेबल है यहाँ पर दोनों को। कई बार जो कुछ हिस्टोरियंस, सॉरी थिंकर जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल स्फेयर के अंदर, तो वो मानते हैं कि दोनों ये एक ही चीज है और इनको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो बिना देरी करते हुए वीडियो को हम शुरू करें। अगर आपको समझना हो पॉलिटिक्स पहले क्या चीज है इंटरनेशनल, तो पहले उस वीडियो को आप देखिएगा, उसका लिंक मैं जरूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियलिज्म के बारे में, यानी कि यथार्थवाद, जो असलियत हो यहाँ पर। तो रियलिज्म यहाँ पर वही चीज है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, या इंटरनेशनल जो रिलेशन है दो नेशन या दो से ज्यादा जो नेशन है, या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक्टर नॉन एक्टर्स यहाँ पर जो आएंगे उसके अंदर, उनके जो रियल रिलेशन यहाँ पर होंगे, रियल पॉलिटिक्स जो यहाँ पर होगी, उसको स्टडी करना कहलाता है यहाँ पे रियलिज्म। हिंदी में इसे यथार्थवाद कहते हैं यहाँ पर। सो रियलिज्म यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसको हम IR शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसका एक डोमिनेटिव यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट है। कहीं पर आपको ये पैराडियम भी लिखा मिलेगा, वो भी सेम चीज है यहाँ पर। कहीं पर आपको ये अप्रोच लिखी मिलेगी, अप्रोच भी सेम चीज है यहाँ पर। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डोमिनेट में आता है। इससे पहले यहाँ पर इसकी जगह तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था, वो था आइडियलिज्म यहाँ पर। देन आज हम के टाइम में क्या देखते हैं, ये आज भी रेवेलेंस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्फेयर के अंदर, रियलिज्म आइडियलिज्म के अगेंस्ट पे यहाँ पर, अगर हम देखें कंपेयर में तो। सो हम देखते हैं रियलिज्म यहाँ पर क्या कहता है, कि रियलिज्म जो है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो उसकी असलियत है यहाँ पर, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पर है क्या, उसको ये डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू आइडियलिज्म या आइडियलिस्ट अप्रोच जो है यहाँ पर, वो ये डिस्कस करती है कि क्या होना चाहिए, जो है उसको तो वो डिस्कस नहीं करती। वो यहाँ पर क्या है, यूटोपिया क्रिएट किया जाता है आइडियलिज्म के अंदर। जो आइडियलिज्म है वो ये कहता है कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर हम इंटरनेशनल स्पेयर के अंदर इंटरनेशनल गवर्नमेंट बना देंगे। इसको उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उसको, हम UN है, UN जो यहाँ पर आ गई, इसके अलावा बहुत सारी आपकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, कि जो क्या करेंगे, जो बहुत सारे स्टेट हैं उनको कंट्रोल करेगी, बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उनको हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, जिसको देश मानने के लिए राजी हो जाएंगे। जैसे एक देश के अंदर स्टेट मानते हैं, राज्य मानते हैं, प्रोविंसेस उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, वैसे ये देश के अंदर, ये जो दुनिया के देश हैं सारे, वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर कोई सोवरन देश किसी दूसरी इंटरनेशनल पॉलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात को क्यों मानेगा, जब वो आजाद देश है यहाँ पर। तो यही जो रियलिज्म वाले आते हैं, जो रियलिस्ट अप्रोच के जो हमारे थिंकर्स आते हैं, वो कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ भी नहीं है, ख्वाब दिखाने वाली दुनिया है। और ये वाकई में फेल भी हुई जब वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड जो है यहाँ पर वो शुरू होता है। देन तो पॉलिटिकल जो जो सॉरी जो ये रियलिज्म है, ये यही कहता है कि ये रिलेशन क्या है, ये क्या है, क्योंकि पॉलिटिक्स है यहाँ पर। और ये बताता है हमें, साथ में ये भी एक्सप्लेन करता है कि ये स्टेट को कैसे कायम हुआ दुनिया के अंदर, होता है। अब स्टेट को क्या होता है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, यानी कि जो दो देश हैं या दो से ज्यादा दो देश हैं, उनके बीच जो रिलेशन बन चुका है, जो स्टेप एक तरह से हमने कहा कि कुछ स्टेबिलिटी आ चुकी है, कि
कि लड़ाई झगड़ा नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हालांकि है तो मगर उस लेवल का नहीं है। तो ये कैसे आता है, ये भी डिफाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, इसको इसीलिए यहाँ पर हम बेहतर मानते हैं जो रियलिज्म की अप्रोच है, कि वो जो आइडियलिस्ट की अप्रोच है उसके ज्यादा उसके मुकाबले पे बेहतर है, और ये असलियत को दिखाती है यहाँ पर। ये बताती है हमें कि जो देश है, जो नेशन स्टेट है, वो क्यों कॉम्पीट करते हैं आपस के अंदर, क्यों उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्यों उनमें वॉर हो जाता है यहाँ पर, और उनमें जो कॉर्पोरेशन है या फिर कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरेक्शन होता है, वो किस बेस के ऊपर यहाँ पर होता है। जो रियलिज्म है इसको हम पॉलिटिक्स, स्टडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि हम जो रियलिज्म है वो बात ही यहाँ पर जो करता है वो पावर के बारे में बात करता है। वहीं पे जो आइडियलिस्ट अप्रोच है वो दोस्ती की बात करती है यहाँ पर, कि दोस्ती होगी, हम दोस्ती बनाएंगे, मिलके रहेंगे, अच्छी अच्छी दुनिया रहेगी यहाँ पर। मगर जो रियलिज्म है यहाँ पर वो ये कहता है कि इंसान का जो नेचर है वो ब्रूटिश है, बुरा है, नास्टी है, सेल्फिशनेस इंसान के अंदर पाई जाती है, और एक इंसान जैसे अपने लिए चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पावर गेन कर लूँ, दुनिया के अंदर बड़ा मुखिया बन के बैठ जाऊं, अपने घर के अंदर, अपने इलाके के अंदर, वैसे ही यहाँ पर जो स्टेट होता है उसको भी अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है यहाँ पर, अपने बचाव के लिए, सर्वाइवल के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर। और ये क्या करते हैं फिर, देश आपस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिलिट्री पावर को बढ़ाता है कोई भी देश यहाँ पर, अपनी अपने जो जो अपना डोमिनेंस है, अपनी हेगेमनी है, इन्फ्लुएंस है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए ये देश क्या करते हैं, अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यहाँ पर जो मेन चीज है, सेंट्रल पॉइंट होता है आपका पावर, जिसके बारे में यहाँ पर बात करता है रियलिज्म। आइडियलिज्म इस बारे में बात नहीं करता यहाँ पर। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है कब इसने गेन करने शुरू करी, क्योंकि जो रियलिज्म है अगर हम देखें तो इसकी जो हिस्ट्री देखते हैं हम, पास्ट में देखने को मिलती है हमें, तो चाणक्य इंडिया के अंदर हुए, थियोसी डाइडस यहाँ पे जो हुए उनके टाइम से भी देखने को मिलती है, मगर वो ऐसे डिफाइन नहीं थी जैसे आज के टाइम में हमने करा है यहाँ पर। आइडियलिस्ट अप्रोच की फेल होने चक्कर में ये आती है यहाँ पर। आइडियलिस्ट अप्रोच ने करा क्या यहाँ पर भाई, कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, दोस्ती करेंगे सब मिलजुल के, एक बनाते हैं लीग ऑफ, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कानून बनाएगी सब देशों के लिए, बनाई गई, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का काम ये था कि दुनिया के देशों के बीच में वॉर ना हो, स्पेशली यूरोप के अंदर जो हो चुका था पहले। मगर यहाँ पर अगर हम देखें कि हिटलर है, उसने इसकी बात को नहीं माना, मोसोलिनी ने इसकी बात को नहीं माना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने जो दूसरे देशों से हार हुई थी उनकी, तो उन्होंने उसका बदला निकालने के लिए यहाँ पर अपनी पावर को गेन करना, बढ़ाना शुरू कर डाला यहाँ पर। जब उन्होंने अपना बदला निकालने के लिए हमला करना शुरू करा तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और जो लीग ऑफ नेशन है जो उसका एम था वो फेल हो गया बिल्कुल यहाँ पर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, जिसका मकसद यहाँ पर जो कि आइडियलिस्ट अप्रोच कहती थी कि हम वॉर नहीं होने देंगे, जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी ये वॉर नहीं होने देंगी बिल्कुल भी, इस पीस कायम करेंगी, वो बर्बाद हो गई। और फिर रियलिज्म की जो थॉट है यहाँ पर वो उभर कर आया, और उसने कहा कि भाई दुनिया में जो असलियत है ना वो यही है कि पावर पॉलिटिक्स है, अनार्की है यहाँ पर। तो यही तो हमने पीछे मैंने पॉइंट लिखे हैं, वो चीज निकल कर आती है इसके अंदर, जो इसके सेंट्रल पॉइंट्स आते हैं वो ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आर अनार्किक, दुनिया में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो अनार्की से भरी पड़ी है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, और लड़ाई झगड़ा किस चीज को लेकर होगा यही बताया गया है इसके अंदर, अनार्की है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है दुनिया के अंदर, पावर जो है वो हालांकि किसी देश पर ज्यादा पावर है, किसी देश पास कम पावर है, जिसके पास कम है वो ज्यादा की तैयारी करता है, उससे जो बैलेंस ऑफ पावर है वो खिसक जाता है यहाँ पर, चेंज हो जाता है। अब ये क्या होता है, मैं समझा देता हूँ आपको, बैलेंस ऑफ पावर इसमें ये है कि मान लीजिए एक यहाँ पर ये तराजू है, ठीक है, हमने कहा एक देश यहाँ पर है, ए नाम का देश है, यहाँ पे दूसरा देश है बी नाम का, इसके पास 100 आदमी है, इसके पास भी 100 आदमी है फौज के अंदर, बैलेंस ऑफ पावर है, किसी को किसी से कोई खतरा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका एक एम है, मान लीजिए यहाँ पर है सी देश, इनको कब्जा करना है, इसके लिए ए देश क्या करता है, 10 आदमी अपनी आर्मी के अंदर और जोड़ लेता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कहा चलो ये मान लिया यहाँ पे भी 100 लोग ही थे यहाँ पर, तो इसके पास ज्यादा हो गए, तो इसने इसके ऊपर हमला करके इसको कंट्रोल में अपने कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो इसके 100 थे, चलो कुछ मर गए होंगे, कुछ इसके मर गए होंगे, यहाँ पर क्या हुआ कि ये पावरफुल हो गया और एक बन गया, इसको खतरा हो गया यहाँ पर, यानी कि क्या हुआ, बैलेंस यूं इस तरफ चला गया, ये पावरफुल हो गया, तराजू पड़ला इस तरफ भारी हो गया, और इसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो गई यहाँ पर।
ठीक है, अब इसने क्या करा, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इसने भी यहाँ पर करा अपनी आर्मी बिल्डअप करनी शुरू करी। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पर अनार्की क्रिएट हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है यहाँ पर। फिर इनके बीच कहीं ना कभी जाकर वॉर हो ही जाती है। और यहाँ पर क्या कहा हमने कि आखिर जो हमें जो रियलिज्म ये कहता है कि भाई हम वॉर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं मगर हम वॉर को रोक सकते नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन देश के अंदर दुनिया के अंदर चलती रहती है और ये हम रोक नहीं सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अ सोवरेन स्टेट इज अ प्रिंसिपल एक्टर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि कोई देश है जो सोवरेन है, संप्रभु है, खुद मुख्तार है, अपने फैसले लेने के लिए उसको किसी की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से फैसले ले सकता है, तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर प्राइम प्रिंसिपल एक्टर है। यहाँ पर किस तरह से है, क्योंकि वो जो स्टेट है अपने हिसाब से फैसले लेगा तो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। अपने इंटरेस्ट को इंसान ध्यान में रखते क्या करता है भाई, पैसे इकट्ठे करता है, ताकत इकट्ठी करता है, बॉडी वगैरह बनाता है कि दूसरा उस पर हमला करे तो मैं उससे बदला ले सकूं, उससे उसका सामना कर सकूं। वही सेम चीज यहाँ पे क्या होती है, कोई देश करने लग जाता है, अपनी पावर को बिल्डअप करता है, बढ़ाता है अपनी पावर को, यहाँ पर अपने हेगेमनी है, इन्फ्लुएंस है, उसको कायम करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और वॉर वगैरह यहाँ पे हो जाती है, और अनार्की हमेशा अनार्की जो है चलती रहती है इस तरह से। यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहीं से निकल कर आता है, द स्टेट इज अ रैशनल यूनिटरी एक्टर विच एक्ट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ ओन इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या कहा कि स्टेट क्या है, रैशनल एक्टर है। यहाँ पर यूनिटरी भी है, यहाँ पर यूनिटरी वो होती है जहां पे कोई एक फैसला लेता है। यहाँ पर यानी कि देश के अंदर, इंटरनेशनल स्पेयर के अंदर, किसी एक बाउंड्री के अंदर कोई एक देश अपने हिसाब से फैसला लेता है और रैशनल होता है, वो गलत नहीं है, वो इरेशनल नहीं है, वो अपने मतलब के हिसाब से फैसला लेता है, उसका अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल, ये स्टेट के गोल होते हैं और इसका अपना इंटरेस्ट होता है। इसके क्या करता है, स्टेट पावर को गेन करता है, कैपेसिटी बढ़ाता है अपनी, यहाँ पर बड़ी बड़ी आर्मी रखते हैं देश। यहाँ पे देखेंगे आप, इंडिया अपनी आर्मी, इंडिया को खतरा रहता है कि पाकिस्तान चाइना हमला ना कर दे, तो इंडिया अपनी आर्मी को बेहतर करता रहता है हमेशा चाइना से बचाव करने के लिए। ठीक है, तो ये प्राइम गोल होते हैं किसी स्टेट के। रियलिज्म ये बात कहता है कि भाई देखो, जैसे आपने कहा ना कि हम ट्रेड करेंगे, दोस्ती बनाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, मगर मेन चीज तो पहले यही है कि सर्वाइवल तो हो, देश की सुरक्षा तो हो जाए पहले। यहाँ पर दूसरी चीज इन्होंने ये कही कि नेशनल पावर एंड कैपेसिटी डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन या अमंग रिलेशन, यहाँ पर कि जो देशों के बीच रिलेशन है वो किस तरह से बयान, मतलब उसको हम कैसे यहाँ पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं, वो होता है यहाँ पे नेशनल पावर और कितनी कैपेसिटी है। अब देखो, जैसे हमने कहा कि इंडिया है, इंडिया से पावरफुल है चाइना, मगर जो अब जो पाकिस्तान है वो कमजोर है, तो इंडिया जो पाकिस्तान के सामने मुखर होके आ सकता है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर डाली वहां पर, ठीक है, क्योंकि हम उनसे पावरफुल थे, हमने ये चीज कर ली। तो हमारा जो रिलेशन है वो इसी चीज को दिखाते हैं कि इंडिया अपनी धजमानी कुछ में लगा रहता है पाकिस्तान के ऊपर। वहीं चाइना क्या है, चाइना हमसे पावरफुल है तो हम चाइना के लिए सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, कहाँ करते हैं, देशभक्ति कहाँ चली जाती है उस टाइम। उस टाइम वजह ये है कि वो हमसे पावरफुल ज्यादा है। यहाँ पर भक्ति तो देश के अंदर आज भी, रक्षा तो फिर भी करता है जो सैनिक होता है यहाँ पर, देश का नागरिक जो होता है अपना, मगर वजह क्या होती है कि वो हमसे पावरफुल है तो उससे हम पंगा नहीं लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही चाइना कितना बड़ा पावरफुल है, रूस पावरफुल है, मगर वो पंगा नहीं लेते अमेरिका से यहाँ पर फिर भी, क्योंकि वो पावरफुल ज्यादा है और उस पर सपोर्ट ज्यादा है रूस, यहाँ पे जो यूरोपियन देशों में पावरफुल है अपने आप के अंदर। तो ये डिटरमाइन करता है कि किस देश का कितनी ताल्लुकात हम किस तरह से रखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो कमजोर देश होंगे अपने बचाव के लिए वो हमेशा ताकतवर देश का सहारा लेंगे, जैसे नेपाल ने करा, दोस्ती चाइना से अच्छी कर ली कि इंडिया दबाव ना डाल पाया उनके ऊपर। तो ये चीजें उन्होंने कहा कि जो रिलेस जो अप्रोच है वो यही चीज बताती है कि भाई दुनिया के अंदर ये कंडीशन है, जो आइडियलिस्ट कहते हैं वो कंडीशन दुनिया के अंदर नहीं है, उसको तो लाएंगे, पता नहीं कब आएगी वो जाके, ये ख्वाब है, कब ये पूरा होगा, ये होगा भी या नहीं, ये ख्वाब हम सोचते सोचते देखते रह जाएंगे यहाँ पर। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पर 3S फॉर्मूला इस्तेमाल किया, इसको हम बेसिक असम्पशन या सेंट्रल आइडिया भी कहते हैं। ये कौन कौन से यहाँ पर 3S आते हैं हमारे, ये है स्टेटिज्म, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टेट सेंट्रिज्म, दूसरा है सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल। देखते हैं ये चीजें क्या है रियलिस्ट अप्रोच के अंदर। तो पहला हम देखते हैं स्टेटिज्म, यानी कि राज्यवाद, भाई मैं अपने बारे में बात करूंगा, मैं यानी कि मैं देश हूं एक और मैं अपने देश के हित की बात करता हूँ, सीधी बात है।
मेरा अपना देश भरता फलता फूलता रहे, दूसरे देश में कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इसमें यहाँ पर क्या है कि स्टेट यहाँ पर एक मेन एक्टर हो जाता है हमारे इंटरनेशनल स्फेयर के अंदर, और उसकी जो सोवरेनिटी है, जो फैसला लेने की ताकत है, वो स्क्रीन पे दिखावा दिखाती है कि उसका कैरेक्टर क्या है स्टेट का, कि वो एक आजाद देश है और वो पावरफुल देश है और अपने फैसले यहाँ पर ले रहा है। और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो देश है, किसी भी देश का यहाँ पर कर्तव्य यहाँ पर क्या होता है, वो ये है कि अपने देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये है कि सिक्योरिटी अश्योर करना, देश की रक्षा करना, ये काम हमारे स्टेट का होता है, यानी कि देश की सरकार जो होती है, ठीक है। जो रिलेशन होते हैं वो देश नहीं करता, देश की गवर्नमेंट करती है, लोगों की मदद से करती है यहाँ पर, ये जो लीडर वगैरह देश के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो रिलीजियस अप्रोच है यहाँ पर वो बहुत ही कमजोर दिखावा, मतलब हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक स्फेयर है, मतलब देश के अंदर जो हिस्सा है यहाँ पर, देश के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, डोमेस्टिक जो हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसीज जो होती है, उस पर बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं देता, एम्फसाइज नहीं करता उसके ऊपर, ये सिर्फ बात करता है इंटरनेशनल स्फेयर के बारे में, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है इस बेस के ऊपर भी, ठीक है। ये कहता है कि भाई जो भी डोमेस्टिक पॉलिसी है, सिस्टम जो स्फेयर है, उसको हम ठीक कर लेंगे, सिक्योरिटी है, लड़ाई झगड़ा हमारा हम निपटा लेंगे, उस चीज को ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, लॉ मेंटेन कर लेंगे, सिक्योरिटी भी कर लेंगे देश के अंदर अंदर की हम। अब बात आती है बाहर की, ये कहता है कि भाई बाहर के अंदर हम कैसे कर लेंगे, जो हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं उनको तो मना लेंगे, हम फौज भेज देंगे, जो पैरामिलिट्री है वो भेज देंगे और कानून लागू कर देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, सब कुछ कर लेंगे वहां पर, मगर जो दूसरा आजाद देश है उसको कैसे मनवाएंगे अपनी बात को हम। तो वो ये कहता है कि वो देश, मान लीजिए हमने कहा कि पाकिस्तान ने कोई हथियार खरीदना शुरू कर दिया, हमने कहा कि भाई जो हमारे देश के अंदर ये हम इतनी फोर्स रखेंगे इस राज्य के अंदर, 500 आदमी हमारे हरियाणा में रहेंगे, 5 पंजाब के अंदर रहेंगे, हमारे देश का फैसला कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल भी कर लेंगे उन्हें, और 500 से चाहे तो 400 कर देंगे, चाहे तो 600 कर देंगे उस चीज को, मगर पाकिस्तान ने कोई हथियार लेके रख लिया तो हम उसको कैसे मनाएंगे इस बात के लिए, भाई कम कर अपने हथियार को, इंडिपेंडेंट देश है यहाँ पर, अपना सोवरेन है वो अपने आप के अंदर, तो इससे क्या होता है हमारे लिए इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, हमें यहाँ पर खतरा पैदा हो जाता है, हमारे लिए डेंजर हो जाता है, थ्रेट पैदा हो जाता है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि हम भी हथियार बनाते हैं, और ज्यादा लो भाई लो हथियारों का अंबार लगाओ, पाकिस्तान से ज्यादा हथियार इकट्ठे कर लो, जैसे चाइना करता है, हम देखते हैं चाइना ने पनडुब्बी बनाई, हमारे देश कहता है पनडुब्बी हम भी बनाएंगे अपनी, पर बन नहीं पा रही फिलहाल, तो हमने कहा कि हम AKF कैरियर बनाएंगे, चाहे पर बहुत सारे AKF कैरियर हैं, हम भी बनाएंगे, हम बना भी रहे हैं बाकी में, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि चाइना की हम घेर सकता है, इससे क्या हो गया, अनार्की क्रिएट हो रही देश दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल स्पेयर के अंदर क्या है, अनार्की क्रिएट हो रही है यहाँ पर, और हर देश यहाँ पे कम्पीट करने लग गया। अब बांग्लादेश भी चाहता है कि भाई इसको डर लगता है इंडिया हम पे हमला ना कर दे, जो श्रीलंका से डर लगता है इंडिया से, तो वो भी अपनी आर्मी को मजबूत कर रहे हैं और चाइना की हेल्प ले रहे हैं इंडिया को टक्कर देने के लिए यहाँ पर। तो यही चीज कहता है कि हर देश अपने स्वार्थ के बारे में काम करता है, भाई मैं बच जाऊं बाकी दूसरे मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये रियलिस्ट अप्रोच है यहाँ पर। वहीं पर अगर हम बात करें जो आइडियलिस्ट अप्रोच कहते हैं, सब सब जिंदा रहेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक एक रोटी, एक रोटी के 5 हिस्से कर लिए मगर सब खाएंगे उसको, एक बंदा नहीं खाएगा पूरी रोटी। दूसरा आता है हमारा सर्वाइवल, सर्वाइवल में यहाँ पे क्या है, अनार्की तो रहती है भाई, ये सर्वाइवल हमने कहा कि भाई अनार्की है तो अब सर्वाइवल की दिक्कत हो जाती है, हम अपना बचाव कैसे रखेंगे यहाँ पर, ये कैसे होगा यहाँ पर, ये स्टेट का गोल होगा कि वो अपनी जो पावर्स हैं उनको इंक्रीज करेगा और अश्योर कर लेगा सिक्योरिटी को अपने यहाँ पे, ठीक है। इस बारे में कहते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफेंसिव रियलिस्ट जो आते हैं हमारे क्लासिकल जो लिस्ट होते हैं उसके अंदर आते हैं यहाँ, सॉरी जो न्यू क्लासिकल रियलिस्ट होते हैं वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी इज द प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, देयरफॉर दे सीक टू इंक्रीज देयर पावर फॉर देयर सर्वाइवल। प्रिंसिपल इंस्टेट उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी है, रक्षा करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए। ऑफेंसिव रियलिस्ट अब दूसरे भी हैं, एक तो है यहाँ पर डिफेंसिव, बचाव करने वाले, बचाव कैसे कर लेंगे हम, बढ़ा लो अपनी आर्मी को, तैयार कर लो, मजबूत कर लो, कोई हमला करेगा इंडर के मारे। ऑफेंसिव वाले क्या कहते हैं इस बारे में, मार्च में इनका नाम है यहाँ पर, कहते हैं भाई हमला कर दो जाकर, क्या करो यहाँ पर स्टेट को, देश को क्या करना पड़ेगा, अपनी आर्मी को बड़ा करेगा और बढ़ाया जाएगा, और कोई लिमिट नहीं होगी, इससे क्या होगा
दूसरे देश हैं उनको डर लग जाएगा, अपने अपने हमारी बात को मानने लग जाएंगे, कहीं हम पे हमला ना कर डाले कहेंगे, या कर डालो उनके ऊपर हमला। देन आता है यहाँ पर सेल्फ हेल्प, अपने देश के लिए हमें खुद ही मदद कर लेनी, अपने मदद खुद करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारी आर्मी कमजोर हो रही है, तो चीन हमारी हेल्प क्यों करेगा भाई उसके अंदर? तो उसके लिए हमें अपनी खुद हेल्प करनी पड़ेगी, कुछ अपने हथियार बनाने पड़ेंगे, कुछ जो चीन के दुश्मन है या कोई दूसरे व्यापारी हो उनसे हमें हथियार खरीदने पड़ेंगे। यानी कि हमें अपनी हेल्प अपने पैसे से खुद करनी पड़ रही है, हथियार बड़े से ना बना पा रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर रहेगी। सिक्योरिटी के बारे में कहा भाई, जो रियलाइज करते हैं अपनी जो सिक्योरिटी हो, सेल्फ हेल्प से हम निकाल पाते हैं यहाँ पर। इस बारे में वॉल्स कहते हैं भाई, सेल्फ हेल्प इज अनेसेसरी ली द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, अपनी मदद करना प्रिंसिपल एक्शन है, अपनी मदद खुद करो पहले यहाँ पर, जब ही आप कुछ कर पाओगे यहाँ पर। तो ये चीज यहाँ पर क्या है कि जो इंटरनेशनल जो हमारी सॉरी जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो रियलिज्म है वो हमें बताता है कि रियल इंटरेक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर इंटरनेशनल स्फेयर के अंदर, कोऑपरेशन क्यों हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देशों के अंदर क्यों हो रहा है। बैलेंस यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो यही है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो हिलता रहता है बार बार, कभी यहाँ पड़ गया, कभी ज्यादा यहाँ बन गया, फिर ये कभी इससे बढ़ेगा आगे, फिर इसे हमने देखा कि चाइना और सॉरी जो अमेरिका और जो रूस है वो होड़ लगाते थे कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर। तो वो यही चीज थी कि बैलेंस ऑफ पावर बार बार बदल रहा था। तो उस टाइम में क्या था कि इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट था, बाद में कॉपरेशन हुआ, हम समझौता कर लिया, ठीक है हम लड़ाई लगड़ा नहीं करेंगे, नए हथियार नहीं बनाएंगे हम। ठीक है, देन ये बताता है हमें यहाँ पर रीजन बिटवीन बिहाइंड इंटरेक्शन दो देशों के बीच या दो नेशन के बीच, दो एक नेशन है और कई नेशन के बीच, एक नेशन और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच, दो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच यहाँ पर। ठीक है, वॉर क्यों होते हैं यहाँ पर, पीस क्यों हो रहा है इनको बताता है यहाँ पर। ये सिक्योरिटी करनी है, गेन करना है आपको, किस तरह से आप किस चीज को गेन कर पाएंगे यहाँ पर, तो ये डोमिनेंस किस तरह से स्टैब्लिश हो जाता है यहाँ पर, तो सबकी स्टडी की जाती है हमारे रिदम के अंदर, और ये इसको यहाँ पर बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है आइडियलिस्ट अप्रोच के और कॉन्ट्रास्ट हम देखें यहाँ पर। ठीक है, सही से उसको एक्सप्लेन करता है जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको खास तौर पर बताता है यहाँ पर। ठीक है, क्या करता है यहाँ पर, फैक्ट को देखता है और बाद में फिर अपने जो रीजन होते हैं दे डालता है यहाँ पर। तो ये मीनिंग थी, इंट्रोडक्शन था, आई होप अब आप समझ चुके होंगे भैया होता क्या है रियलिज्म। बहुत अच्छे से मैंने सारे पॉइंट समझा दिया आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो ओरिजिन है उसके बारे में। जो रियलिज्म है यहाँ पर बताया मैंने आपको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये शुरुआत होती है, जो लीग ऑफ नेशन फेल हो जाता है और वॉर हो जाती है यूरोप के अंदर, जो पूरे दुनिया को अपने आप के अंदर इन्वॉल्व कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर डालती है। ठीक है, और ये यहाँ पे रिस्पॉन्स था हमारा, जो लिबरल ट्रेडिशन था, लिबरल जो आइडियाज थे जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं उसके अगेंस्ट पे लाया गया था यहाँ पर। और जो आइडियलिज्म था वो इंफोसिस करता था इंटरनेशनल लॉस के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, देश एक कानून बनाएंगे, दुनिया का कानून, जो शायद देश मानने के लिए बाध्य होंगे, कभी नहीं हो पाया ऐसा। मोरालिटी तो लोगों में होती कहाँ है, हर इंसान को डर लगता है, वो अपनी ताकत बढ़ाता है यहाँ पर। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे मतलब एक हम अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनाएंगे, दुनिया भर की सरकार जिसको बात मानेंगे। मगर यहाँ पर वो ये भूल गए कि सब होता क्यों है, होता ये है पावर के चक्कर में, पावर चाहिए यहाँ पर किसी को, ताकत चाहिए, अपनी बात को मनवाना है किसी को यहाँ पर। ठीक है, और जो आइडियलिस्ट क्यों कहते हैं, जो इंसान है ना जिसका नेचर है वो फंडामेंटली राइचियस है, बड़ा अच्छा इंसान, बड़ा प्यारा खुश मिजाज इंसान है, मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहता है। वहीं पर जो रियलिस्ट है वो कहते हैं इंसान भैया बुरा है, बैड उसके जो उसका बिहेवियर है ना, बैड बिहेवियर है यहाँ पर, बैड बॉय है वो यहाँ पर, कुल गंदा इंसान, गुस्से वाला, लड़ झगड़ने वाला इंसान है और अपने मतलब के बारे में सोचता है हमेशा। ठीक है, और ये कहता है जो आइडियलिज्म है कि दुनिया क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी है, वर्ल्ड विलेज है यहाँ पर। ठीक है, और मिलजुल के हम रह सकते हैं और जो मिलजुल के अपने जो फैसले हैं, लड़ झगड़े हैं उनको हम सुलझा भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर जो पॉलिटिकल रियलिज्म है तो रियलिज्म है तो मानता है नहीं इस चीज को, कहता है भैया सिक्योरिटी चाहिए किसी को, सोसाइटी नहीं है यहाँ पे कोई, दुनिया के अंदर सोसाइटी दुनिया के जनरल के अंदर होगी, मगर जो एक्चुअल रो है वो काम करते हैं, और ये किससे आते हैं, ह्यूमन नेचर से। ह्यूमन नेचर क्या करता है, अपने आप को हमेशा ताकत बढ़ाना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हमारी रहती है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, जो रियलिज्म है उसके बारे में।
तो अब हम बात करने वाले हैं क्लासिकल जो रियलिज्म है उसके बारे में। जो अब तक मैंने समझाया था आपको वो क्लासिकल रियलिज्म का ही हिस्सा है यहाँ पर, मतलब पूरी तरह से वो इसका पार्ट नहीं है यहाँ पर। एक मिनट, अब बात करते हैं हम क्लासिकल जो रियलिज्म है उसके बारे में। वही चीज बता दी मैंने आपको कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू होता है यहाँ पर, और इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या अप्रोच करती है ये, जो अप्रोच है या फिर जो ये थॉट स्कूल ऑफ थॉट है यहाँ पर, इसमें कौन कौन से जो राइटर्स की जो आइडियाज होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। ये है E.H. कार, राइनहोल्ड नेबर, और है दूसरा एंड हांस मॉर्गन थाउ। इनके बारे में दो हैं, E.H. कार और हांस मॉर्गन थाउ, ये फेमस है तो इनको डिस्कस करेंगे। और हांस मॉर्गन थाउ के जो 6 प्रिंसिपल है मैं उसको अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसी के क्रिटिज्म के बाद यहाँ पे शुरुआत होती है आपके न्यू रियलिज्म के बारे में। ठीक है, सो हम देखते हैं कि जो क्लासिकल रियलिज्म है यहाँ पर वो एक्सप्लेन करता है स्टेट का बिहेवियर। इसका बिहेवियर, स्टेट का बिहेवियर कैसा है, मगर ये बिहेवियर उसका खुद का तो है नहीं, देश तो लोगों से बनता है यहाँ पर, और लोग चलाते हैं सरकार को, किसी को चुनके भेज डालते हैं यहाँ पर। तो ह्यूमन नेचर के हिसाब से यहाँ पे जो बिहेवियर होता है स्टेट का वो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो जो ह्यूमन नेचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं देश के बीच में। अगर मान लो दो देश आपस के अंदर लड़ने को आ गए हैं, जहां पर हमने कहा राजाओं की हुकूमत चल रही है यहाँ पर, अगर वो दोनों सुलह कर ले आपस के अंदर तो देश की जो फौज है वो लड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दो लोग, जो इंसान का जो नेचर है वो कॉन्फ्लिक्ट का वजह बन जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, अगर हम बात करें क्लासिकल रियलिज्म के अकॉर्डिंग। हावेवर इवन बिफोर रियलिज्म एग्जिस्ट एज थ्योरी, और हम बात करें थ्योरी पहले से एग्जिस्ट थी या नहीं, हाँ ये पहले से एग्जिस्ट थी, चाणक्य ने भी इसके बारे में लिखा था अपने अर्थशास्त्र के अंदर। ठीक है, और हम देखते हैं कि बाद में जो वेस्टर्न है, नॉन वेस्टर्न जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर। अगर बात करें हम जो यूरोपियन जो थिंकर्स थे, इसमें पहले थिंकर आते हैं हमारे थियोसिडाइडस, जो कि 5th सेंचुरी BC में हुए यहाँ पर। ठीक है, मैकियावेली बाद में आएंगे, फिर थॉमस हॉबे यहाँ पर। देन हम बात करें कौटिल्य इंडिया के अंदर है, और सुतजु जो है और हानसी फैजी जो है चाइना के अंदर है। इनमें से कुछ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि E.H. कार, हांस मॉर्गन थाउ और थियोसिडाइडस, मैकेविली, थॉमस हॉब और कौटिल्य, इनको हम कहते हैं चाणक्य। ठीक है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी, पहले प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं हम इसको E.H. कार के जरिए से। E.H. कार ने अपनी बुक लिखी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो बुक लिखी थी E.H. कार ने, उसका नाम था 20 ईयर ऑफ क्राइसिस, 1934 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस थ्योरी ने ही यहाँ पर, इस बुक ने ही यहाँ पे फाउंडेशन डाली थी रियलिज्म की यहाँ पर। हालांकि जो ये बुक थी ये क्रिटिसिज्म करती थी जो आइडियलिज्म अप्रोच है उसका, मगर अपनी तरफ से उन्होंने कोई खास यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दिए थे E.H. कार ने। हांस मॉर्गन थाउ बाद में देते हैं, मगर उनके खुद के वो आइडियाज नहीं है, वो थियोसिडाइडस, चाणक्य, थॉमस हॉब हो और मैकियावेली है, उनके थॉट्स होते हैं, उनको इकट्ठा के बनाते हैं ये अपने 6 प्रिंसिपल यहाँ पर। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर, ये कहते हैं कि जो आइडियलिस्ट अप्रोच है ना भैया, वो सिर्फ ख्वाब ही ख्वाब है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कोई इंस्टेंटलाइजेशन यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की गई जो दुनिया के अंदर होनी चाहिए हो जाए होती है यहाँ पर। ये कहते हैं कि हाँ ख्वाब देखा था उन्होंने रात को कि ऐसा दुनिया में होगा, मगर ऐसा दुनिया में है ही नहीं ऐसा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम पोलिटिकल रियलिज्म विल बी एस्टेब्लिश थ्रू अ क्रिटिक परस्पेक्टिव। फिर ये भी कहते हैं ये कि भाई जो जो पोलिटिकल रियलिज्म जो होगा वो एस्टेब्लिश होगा कि जब हम बुराई करेंगे, जो चीज चल रही है उसकी बुराई करेंगे, क्रिटिक करेंगे उसके बारे में, और जो यहाँ पर निकल कर आएगा फिर वो बदलाव हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो आइडियलिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि ये पावर है, उसके चक्कर में सारा झगड़ा होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो भी यहाँ पे होता है पावर झगड़ा वाला जो होता है, ये बिलीव करते हैं, सॉरी ये कहते नहीं है, ये खुद बिलीव करते हैं कि जो पावर है वही कॉन्फ्लिक्ट की वजह है, दुनिया के अंदर वॉर की वजह है, और जो यहाँ पे डिप्लोमेसी इस्तेमाल करता है वो गेम भी जीत जाता है, यानी कि वो दुनिया में अपनी जो हेगेमनी है उसको स्टैब्लिश कर ही लेता है यहाँ पर। ठीक है, और एक मिनट, देन यहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए
ही ऑल्सो थिंक दैट इन द केस ऑफ इनकंसिस्टेंट पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स चल रही होती है यहाँ पर, इन्होंने ये कहा कि जब हम बात करते हैं पीस के बारे में, डोमिनेशन के बारे में बात करते हैं, कि हम देश के अंदर पीस इस्टेब्लिश करेंगे, भाईचारा लेकर आएंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ पर खुशहाली आएगी, तो ये बात कौन करता है? ये बात वो करता है जो ताकतवर है, किसी से डर नहीं है उसको, ठीक है? जिसको डर है वो बात क्यों करेगा पीस के बारे में? वो तो अपने हथियार बनाता रहेगा यहाँ पर। जैसे अमेरिका है, वो कहता है हम दुनिया में पीस कायम करेंगे, पावरफुल देश है, उसको कोई डर तो किसी से है नहीं यहाँ पर, तो वो बातें करता है यहाँ पर। जो कमजोर देश है वो बात नहीं करते इसके बारे में ज्यादातर, वो तो सोचते भैया अपने हथियार बनाए और जो मेरा खतरा जो है उसको खत्म कर डाले हम यहाँ पर। तो यहाँ पर यही चीजें कहते हैं कि जो पावरफुल ग्रुप होता है वो हमेशा बात करता है कि पीस वगैरह बनाई जाए, पीस मेंटेन कर ली जाए यहाँ पर, ठीक है? देन हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे हांस मार्गेंथाउ है, इन्होंने बुक लिखी थी, इसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ठीक है, इनकी बुक का नाम था। इन्होंने ये कहा कि बिलीव करते थे यहाँ पर इस चीज के अंदर ये कि साइंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन विल बी मेड थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ इवेंट एंड बाय द प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मीनिंगफुल लॉ। इन्होंने कहा कि जो हम इंटरनेशनल रिलेशन है, साइंटिफिक सिस्टम जो है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब एक हम उस तरह से बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जब हम मीनिंगफुल लॉ एस्टेब्लिश करें, जो कानून जरूरी है उनका इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर, और जो रियल लाइफ इवेंट्स यहाँ पर होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, जो लोग लड़ पड़ते हैं उस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है यहाँ पर, इस चीज को बताते हैं यहाँ पर। तो ये कहते हैं कि जो थ्योरी होनी चाहिए हम दे इस थ्योरी को, तो वो मीनिंगफुल हो, रियलिस्टिक हो, कंसिस्ट हो, ठीक है, इंसाइटफुल होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरह से ये अपने देते हैं फिर 6 प्रिंसिपल इस बारे के अंदर, ठीक है? तो ये पहला प्रिंसिपल आता है हमारा, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉ विच हैव देयर रूट इन ह्यूमन नेचर। सिंपल बात यहाँ पर ही कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो डिपेंड करती है ह्यूमन नेचर के ऊपर। अगर इंसान किसी देश का नागरिक, मतलब किसी का लीडर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे पावरफुल हो रहा है और अपनी पावर को वो नहीं बढ़ाता यहाँ पर, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं यहाँ पर। पावरफुल देश है, उसको भी ये हवस ना हो कि जो दूसरा कमजोर देश है उसमें हमला कर दूं जाके यहाँ पर मैं। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे जो है वो वैसे तो होता है कि जब दो दो जो लोग जो होते हैं लीडर होते हैं यहाँ पर देशों के, उनमें कॉन्फ्लिक्ट आता है यहाँ पर। दूसरा ही कहते हैं द की टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर। यहाँ पर ही कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको हम समझ सकते हैं कि जरिए थे पावर के जरिए थे, क्योंकि हर देश चाहता है यहाँ पे अपने लिए पावर को स्टेब्लिश करना, पावर को गेन करना, मोर मोर पावर हमेशा चाहता है कि और मिले मिलती रहे यहाँ पे, खत्म ही ना हो पावर बस, और अपनी हेगमोनी स्टेब्लिश कर ले। जब उसको पावर मिल जाती है तो बैलेंस ऑफ पावर जो है यहाँ पे वो खराब हो जाता है हमारा, और फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है यहाँ पर। देन ये कहते हैं द फॉर्म एंड नेचर ऑफ स्टेट विल बी वारी इन टाइम, ठीक है, बहुत सारी जिले की मैंने प्लेस है, कॉन्टेक्स्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो स्टेट की फॉर्म है, नेचर है, वो अलग अलग हो सकती है, पावर जो उसके अलग हो सकती है उसके टाइम के हिसाब से, किस जमाने में था, कहाँ पर है, कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये क्या करेगा यहाँ पर, ये हमारा जो है इफेक्ट डालता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, किस देश के पास कौन सी सरकार है। जैसे हमने कहा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और हमारा जो गवर्नमेंट का मुख्य होता है प्राइम मिनिस्टर होता है, चाइना में तो डेमोक्रेसी है नहीं, वहां तो एक पार्टी का शासन है यहाँ पर, तो वो क्या है कि उसकी पावर में फर्क है यहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर एकदम से कोई फैसला नहीं ले सकता, बड़ा फैसला ले सकता नहीं है वो, ठीक है? वहीं पर क्या है जो चाइना का जो राष्ट्रपति है वो एकदम से फैसला ले सकता है इस चीज के ऊपर, पावर के पास सारी सारी इसके हाथ के अंदर होती है यहाँ पर। सेम चीज जो यूएसए का आज जो राष्ट्रपति होता है उसके पास भी है, वहां के प्राइम मिनिस्टर कमजोर होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है यहाँ पर। जो प्रेसिडेंट वहां का चाहता है, एक बार हम लोग ने कहा कि वॉर अनाउंस होगी तो वॉर हो गई। हमारे देश में क्या है कि आप जो वॉर है उसको अनाउंस तो कर सकता है, मगर उसके पीछे हाथ होता है वो प्रधानमंत्री कैबिनेट का होता है यहाँ पर। तो हमने कहा कि ये अलग अलग हो सकते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट है, पावर है, वो कुछ इफेक्ट करता है यहाँ पर। दिन आता है यहाँ पर यूनिवर्सल वर्सल मोरल प्रिंसिपल डू नॉट गाइड स्टेट बिहेवियर। जो दुनिया के अंदर यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल है कि पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, लोगों की रक्षा होनी चाहिए, हम व्यापार करें, खुशहाली जिंदगी गुजारे हैं, तो वो किसी स्टेट के बिहेवियर को बदल सकता नहीं है यहाँ पर। हर देश का अपना स्टेट बिहेवियर है, उसको डर लग रहा है कि मुझे खतरा है तो वो अपनी पावर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो पीस नहीं देखेगा यहाँ पर।
जो दूसरे लोग देखो कि जो लोग इनकी नक्शा को नहीं देखेगा, व्यापार नहीं देखेगा, वो यहाँ पर वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा। यहाँ पर मोरल एस्पिरेशन आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर नेशन, जो मोरल एस्पिरेशन है वो किसी पर्टिकुलर देश के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो उन देशों के नहीं होते हैं कि जो देश कमजोर है, कि भैया आप ध्यान रखो, जो बड़े अमीर जो ताकतवर देश हैं उन्होंने किसी को नहीं मारा होगा कभी, उन्होंने हमने किसी पे हमला नहीं करा होगा, करा होगा उन्होंने भी, मगर वो अपने आप को दिखाते हैं अच्छा अच्छा बन के यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर ठीक है। ये चीज है, द पोलिटिकल स्पेयर इज ऑटोनोमस, जो पोलिटिकल स्पेयर है यहाँ पर वो ऑटोनोमस है, किसी के नहीं है, हर देश अपना मुख्तार है फैसला लेने के नहीं है यहाँ पर। तो ये चीज उन्होंने 6 पॉइंट्स यहाँ पर दिए थे हमारे हांस हांस मॉर्गन था उन्हें। अब बात करते हैं यहाँ पर हम थियोसी डाइडस के बारे में, जिनका हम देखते हैं 460 BC से 400 BC के अंदर है, इस टाइम की जो लाइफ टाइम थी वो थी यहाँ पर। ये जी ग्रीक हिस्टोरियन है यहाँ पर, और एज वेल एज यहाँ पर ये पार्टिसिपेंट कमांड जनरल भी थे हमारे अथेंस की आर्मी के अंदर। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द पेलोपेनियन वॉर्स, पेलोपेनियन वॉर्स ठीक है। ये वॉर्स यहाँ पर होता है द लीग, डालियन लीग लेड बाय एथेंस एंड पेलोपेशियन पेलो पेलोपोनेशियंस वो लीग जो थी यहाँ पे स्पार्टा ने इसको लीड करा था। इसमें जो है एथेंस हार जाता है यहाँ पर ठीक है, स्पार्टा जीत सॉरी स्पार्टा हार जाता है और एथेंस यहाँ पर जीत जाता है इसके अंदर। हाँ, इसमें स्पार्टा जीतता है, एथेंस जो है वो हार जाता है यहाँ पर ठीक है। अब होता क्या है, इनका काम था क्या बेसिकली इसके अंदर, वॉर लड़ रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने ये सोचा कि इनके टाइम में कंटेम्परेरी हिस्टोरियन थे जिनका नाम था हेरोडोटस ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री तो लिखी, मगर उन्होंने ये नहीं लिखा कि भाई हिस्ट्री में वॉर हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कुछ भी उन्होंने लिखी, उन्होंने एनालिसिस नहीं करा किसी चीज का कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वजह है, क्यों हो रहा है, क्या बदल सकते हैं हम, क्या चेंज कर सकते हैं इस चीज को, तो उन्होंने इस चीज पे फोकस नहीं करा। इस चीज पे फोकस करा यहाँ पर हमारे थियोसिडाइडस जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने करा, उन्होंने क्या करा, जो रियल पॉलिटिक है, जो यहाँ पे लिखा है वर्ड यहाँ पे रियल पॉलिटिक, इसके ऊपर उन्होंने फोकस करा कि जो रियलिज्म है वो क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यहाँ पर है क्या, कि इन देशों के बीच वॉर होने पे क्यों आ गया आखिर यहाँ पर। तो इन्होंने ये कहा कि जो स्ट्रांग होगा वो हमेशा वीक के ऊपर अपना जो पावर है उसको इस्तेमाल करता है, रूल करता है यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसा कर सकता है, वो इस काबिल है यहाँ पर ठीक है। एथेंस पावरफुल हो जाता है यहाँ पर, अपनी आर्मी बिल्डअप करता रहता है यहाँ पर, और स्पार्टा वहीं का वहीं था। स्पार्टा को डर लगता है कि मैं हार ना जाऊं, तो इसके लिए वो क्या करता है कि लीग बनाता है, इसको नाम देता है यहाँ पे पेलो पोनेशियन, पोनेशियन जो थी यहाँ पे ये लीग बनाई जाती है ठीक है, और स्पार्टा जीत जाता है यहाँ पर और एथेंस जो है हार जाता है। और यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर इस तरह से मेंटेन आपस से हो जाता है, जो एथेंस पावरफुल हो गए तो कमजोर जाता है आपस से, पर आखिर में क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि दोनों ही कमजोर हो चुके होते हैं, दोनों की आर्मी कमजोर पड़ चुकी होती है यहाँ पर, और जो मैसेडोनिया है वो आगे इनके ऊपर हमला कर डालता है, फिर वो दोनों पे कब्जा कर लेता है यहाँ पर। तो इससे हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि दो देशों में जब एनार्की होती है तो तीसरे देश भी उसका इस्तेमाल कर लेता है यहाँ पर। मतलब इसमें ये दिखाना चाहा कि एथेंस का जो पावर, जब बैलेंस ऑफ पावर था वो एथेंस की तरफ बढ़ने लग गया, तो पावरफुल होने लग गया, तो स्पार्टा को खतरा हुआ, तो स्पार्टा ने अपना पावर बनाने की क्या करा, उन्होंने एक लीग बनाई और एथेंस पे हमला कर डाला, एथेंस यहाँ पर हार गया, स्पार्टा जीत जाता है, बाद में दोनों ही हार जाते हैं, तो मैसेडोनिया है उन पर कब्जा कर लेता है यहाँ पर। इसके अंदर उन्होंने एक चीज और इस्तेमाल करी यहाँ पर, ये था मिलेनियन डायलॉग। यहाँ पर क्या हुआ, जब एथेंस ने अटैक करा स्पार्टा के एक हम कहेंगे कि सिटी के ऊपर, मान लीजिए मेलेस नाम था उसका, तो उन्होंने कहा कि सरेंडर कर दो भाई ठीक है, बेले फलों से कि भाई सरेंडर कर दो। उन्होंने कहा हम नहीं करने वाले, हम दोस्ती करेंगे आपसे, आप दोस्ती कर लीजिए, जो बात होगी आपके बीच हमारे बात तय कर लेंगे हम यहाँ पर, और इसमें आप भी राजी, हम भी खुश, हम भी आप भी खुश यहाँ पर, और जो हमारा देश है उसको छोड़ जाइए प्लीज यहाँ से। इसमें क्या होता है, एथेंस होता है पावरफुल, तो यहाँ पर ये दिखाता है एथेंस उस पर हमला कर डालता है शहर के ऊपर, उसको बर्बाद कर डालता है बिल्कुल यहाँ पर। तो इसके अंदर से क्या दिखाना चाहता है यहाँ पर, जो थियोडोर डायजेस्टर ने ये दिखाया कि एथेंस पावरफुल थे, जो मेलेस थे वो कमजोर थे, तो जो कमजोर हैं उनको जो स्ट्रांग होंगे वो हमेशा अपनी बात को मनवाता है, और ये एक सिस्टम है जो रियल पॉलिटिक है वो हमेशा से ही यहाँ पर ये
रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा सारा इसके अंदर सॉरी था। अब आता है हमारा निकोलो मैकवेली, मैकवेली, ठीक है। ये इटालियन फिलोसोफर थे, यहाँ पर इन्होंने बुक लिखी यहाँ पे द प्रिंस। ये बिल्कुल मिलती जुलती बुक है जो अर्थशास्त्र है उससे काफी हद तक। तो ये क्या करती है यहाँ पे, गाइड करती है, ये गाइड करती है एक राजकुमार को। इस तरह से मतलब ये कहानी लिखी गई है यहाँ पर कि जो एक राजकुमार है वो किस तरह से देश को मेंटेन करेगा, जो एस्टेब्लिश पावर है उसको कैसे कंट्रोल करेगा यहाँ पर। स्पेशली जो न्यू प्रिंस बनता है, जो नया राजकुमार होता है, जो जो गद्दी बैठता है, नया नया राजा बन जाता है यहाँ पर। तो उसे करना क्या है यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर, कैसे आपको देश को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पीस अपने देश के अंदर कायम करनी है। फिर जो असल खतरा है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है कि दूसरा देश जो है, जो ताकतवर देश है आपके खिलाफ, उससे आपको कैसे डील करना है यहाँ पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने अपने मतलब को देखिए यहाँ पर, आप मतलब को देखिए इसमें क्या करिए, पावर को बढ़ाइए अपनी यहाँ पर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपके देश के अंदरूनी मामलात हैं उनको कुचलना पड़ जाएगा। जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनह्यूमैनिटी है, आप वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। और एक आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो असैनिस, जो कि दूसरा, जो दूसरा आपके जो अपोजिशन में है उनका असैसिनेशन कराओ, उनकी उनकी मौत करवाओ, उनको मरवा डालो यहाँ पर, जो आपके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं बगावत को चल डालो यहाँ पर। अपने आप पावरफुल करने के लिए बड़ी मिलिट्री बनाओ, तो दूसरे देश का जो राजा है आप पे हमला करना चाहता है तो आप उसका भी यहाँ पर मर्डर करवा डालो चुपके से, जो भाड़े के सैनिक हैं उनसे यहाँ पर। तो ये सब चीजें बताई जाती हैं इसके अंदर। और यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा आपके ऊपर हमला ना कर दे यहाँ पर, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा आपको कि दूसरा आपसे पावरफुल ना हो जाए, पहले पावर जो है खराब ना हो। तो ये चीज भी इसके अंदर जो निकोले मैकिलबरी है वो दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अब आते हैं हमारे थॉमस होम अंकल जी, इन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पर लवाइथन, बहुत अच्छी बुक है यहाँ पर ये। इसमें इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि जो अनार्की है ना वो कभी खत्म दुनिया में होती नहीं है, अनएंडिंग है यहाँ पर, और परपेक्चुअल है यहाँ पर, चलती रहती है, बदलती रहती है, वहां चलती रहती है हमेशा यहाँ पर। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर, जब दुनिया में देश भी नहीं थे जब से अनार्की है, वो किस तरह की अनार्की थी यहाँ पर कि जब दुनिया में क्या था कि एक इंसान है उसको खतरा था दूसरे इंसान कि वो मेरी हत्या ना कर डाले यहाँ पर, तो वो क्या करता है यहाँ पे, पावर गेन करता है, कुछ खाता पीता है, शरीर तरह बनाता है यहाँ पर। और जो दूसरे लोग हैं उनसे अपने पास हथियार इकट्ठे करता है, जो दूसरे लोग जो कमजोर हैं उनको मारता है, हत्याएं कर डालता है, उनकी उनका सामान छीन लेता है यहाँ पर, और अपने आगे ना पावरफुल बनने लग जाता है, और अपनी जो है हेगेमनी एस्टैब्लिश करके अपने आपको राजा बना लेता है यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो दूसरी प्रजा है यहाँ पे वो जुल्म झेलती है उसके, और फिर वो भी अपने आपको पावर बनाने के लिए स्ट्रगल करने शुरू कर डालती है यहाँ पर। उनमें से कोई मसीहा निकल के आता है वो बन जाता है नया राजा, और जो ये अनार्की है भी चलती रहती है ऊपर नीचे, कोई राजा होता रहता है यहाँ पर, कोई बड़ा बन जाता है, कोई ताकतवर बन जाता है, कोई कमजोर बन जाता है, और ये चलता रहता है। और यही चीज जो है इंटरनेशनल इस फेयर के अंदर भी पाया जाता है यहाँ पर। ये कहते हैं कि भाई जो इंसान की लाइफ है वो सॉलिटरी है, पूर है, नास्टी है और छोटी है, तो वो बहुत ही छोटी लाइफ है यहाँ पर, इस चीज के बारे में वो कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हमारे जैकजिन रूसो, इन्होंने आर्टिकल लिखा था द स्टेट ऑफ वॉर। इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट क्राफ्ट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये कहते हैं कि इट द स्टेट कैन ऑलवेज ग्रो बिगर, देश जो है वो हमेशा ही तरक्की करता रहता है, बदलाव करता रहता है, अपनी ताकत के अंदर इजाफा करता रहता है, जिससे जो दूसरा देश यहाँ पर है उसको खतरा हो जाता है बेचारे को, उसको अपनी सिक्योरिटी है, प्रजर्वेशन है, उसके लिए काम करना पड़ जाता है यहाँ पर। तो डिमांड होती है कि भाई अब तुम पावरफुल हो जाओ यहाँ पर, तो वो पावरफुल हो जाता है यहाँ पर, जिससे वो कमजोर, जिससे वो पावरफुल हो जाता है, जिससे पड़ोसी है उनको खतरा हो जाता है यहाँ पर, फिर वो पावरफुल होते हैं यहाँ पर। और इससे क्या होता है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, और लड़ाई झगड़ा होता रहता है देशों के बीच में, आखिरकार फिर और जो अनार्की है वो हो जाती है शुरू यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हमारे चाणक्य जी, 370 से लेके 288 BC तक ये रहे यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसको हम कहते हैं द साइंस ऑफ मटेरियल गेन एंड साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। मतलब इन्होंने अपनी बुक उस जमाने के सबसे पुरानी बुक मानी जाती है कि जो स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखी गई थी कि देश के बारे में, तो उस जमाने के अंदर कागज भी नहीं था, पत्तों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर लिखा थी उस टाइम के अंदर, तो इन्होंने लिखा है इस बारे में। ये कहते हैं कि जो राजा है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक राज्य, लेकिन जो एक नेशन है वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर।
तो इसके लिए कहते हैं कि जो राजा है उसकी यहाँ पे बहुत सारी ड्यूटीज उन्होंने कही कि जो राजा है उसको अपने देश के लिए काम करना चाहिए यहाँ पर, मतलब अपनी पावर अपने पास एक बड़ी पावरफुल आर्मी रखे कि ताकि कोई दूसरा हमला इंडिया दूसरे देश के ऊपर हमला ना कर सकते। इनके टाइम में हुआ क्या था कि जो अलेग्जेंडर है उसने इंडिया पे हमला करा था, जो पोरस आ जाता उससे उसको हराया था, मगर वो जहां पर ये हम बात करते चाणक्य थे उस टाइम में जो उनका राजा था उन्होंने दोस्ती करी थी पोरस से, थोड़ी बड़ी जो अलेक्जेंडर था उससे, ताकि हमारी जो जनता है मरे ना यहाँ पर। तो उन्होंने देखा यहाँ पर कि जो तो विदेशी लोग हैं हम पे तो हमला कर रहा करी, तो हम क्या करें। इन्होंने कहा कि अपने जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं उसको खत्म करो, एक बड़ा देश बनाओ, बड़ी आर्मी बिल्डअप करो यहाँ पर, और आर्मी बिल्डअप करने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करोगे उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ यहाँ पर, 1 का 2 करो, 2 का 4 कर लो यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर कि जहां पर तुम्हें लगे कि भाई जंग हो सकती है दो देशों के बीच में, जो राजा सामने वाले का है उसकी हत्या करवा दो, जो अपने अंदर बगावती जो बगावत करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर उनकी जो बगावत है उसको कुचल दो, जो चोरी चिकारी करने वाले जो लोग हैं यहाँ पर उनको मार डालो यहाँ पर, उनको बड़ी सजाएं दो ताकि देश के अंदर ऐसी कंडीशन आए ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर बता दिया मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि जो राजा है उसकी यहाँ पर ड्यूटी बनती है कि जो अपनी पावर है उसको बढ़ाए यहाँ पर, एम्पायर को एस्टेब्लिश करे, और जो दुश्मन है उसका अंत कर डाले। इसके लिए वो हत्या भी कर सकता है, घाड़े सॉरी जो भाड़े के जो सैनिक होते हैं उनको रख सकता है, ऐसे ऐसे करा सकता है यहाँ पर, और जासूसी भी कराएगा अपने लोगों की ताकि उसके खिलाफ बगावत ना हो यहाँ पर। रॉजर बॉयस्टिस कहते हैं कि भैया द फर्स्ट ग्रेट लिस्ट कहते हैं ये कौटिल्य को, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक के अंदर बारे में कहा है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो जरा से भी यूजफुल लगी प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।